In an octahedral structure, in an octahedral structure, a pair of d orbitals, a pair of d orbitals involved in d2, involved in d2 sp3 hybridization. The option first is dx square minus y square. Options likho. First option, dx square minus y square dxz. Second option, dz square dxy. C option, the third option is dxy dyz square. And fourth option is dx square minus y square and dz square. Fourth is right. क्योंकि fourth में बेटे जो dx square minus y square के orbitals हैं और dz square के orbitals हैं वो on the axis है. कि जब आप octahedral structure बनाते हो d2sp3, ठीक है, d2 octahedral का मतलब है 6 orbitals involved. या तो इन्वॉल्व ऑर्बिटल बाहर वाले इन्वॉल्व होते हैं, sp3 d2 भी कहते हो, कभी कभी ऑर्बिटल अंदर वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, उसे कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. दैट विल डू इन क्लास 12 कोऑर्डिनेशन. ठीक है, एक d2 sp3 होते हैं और एक sp3 d2 होते हैं, दोनों होते हैं. ठीक है, मगर ऑक्टाहाइड्रल में हमें पता है कि 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं. जो 2 d के इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ये पूछ रहे हैं. समझ आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मूवमेंट इज. अब 4 ऑप्शन है. आई एम नॉट राइटिंग द करेक्ट ऑर्डर. मैं चारों के चारों आपको नेम लिख देती हूँ, आप पहले अपने आप ऑर्डर में लेके आओ इनको, फिर वो करेक्ट हो जाएगी ऑप्शन. ठीक है, तो 4 मॉलिक्यूल्स आर NF3, CH4, NH3 and water. You have to arrange in the correct order of dipole moments. Arrange and the I'll ask the reason also then. आपकी drilling करवानी जरूरी है. आपको लगता है मैं chapters आते हैं. Done. You will get only 2 minutes for 1 question in exam. It will involve numericals also with that. 90 minutes exam, 35 questions, 2 minutes for 1. हर बारी बेटे मजाक नहीं. अभी आपको ये चीजें मजाक लगती है ना, देन यू विल से कि मैम सही है, ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं, माई ड्रिलिंग हो रही है, चैप्टर में फिर समझा दूंगी, ये चैप्टर खुद पढ़ना सीखो. डाउट्स क्लियर करो, ये नहीं मैं डाउट्स नहीं क्लियर होंगे, एवरी डाउट विल बी क्लियर. हो गया, टाइम इज अप. अब बेटे मिथेन की तो रेगुलर ज्योमेट्रीज की तो डाइपोल मोमेंट वैसे ही जीरो है. CH4 इज अ रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन. ठीक है, अब आ जाओ, ये 3 रह गए. ठीक है, अब इन तीनों को देखो, ये NF3,
ये एच और ये वाटर। अब पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो ये तो हाईएस्ट पे चला जाएगा। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट वाटर की होती है, वाटर इज अ लिक्विड, दैट्स इट। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही आ जाती है इसमें। अब बात आई NF3 और NH3 की, तो NH3 में हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, ज्यादा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। अगर NF3 की बात करो तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और नाइट्रोजन का यहाँ पे लोन पेयर भी है, तो डाइपोल मोमेंट इतनी नहीं होगी। तो मतलब फर्स्ट में क्या आ जाएगा, मिथेन, सेकंड में क्या आ जाएगा, NF3, क्योंकि फ्लोरीन एक तरफ से खींच रहा है और दूसरी तरफ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पे हैं। डाइपोल मूवमेंट तभी ज्यादा होगी जब सेपरेशन ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस इतने नहीं है जितने अमोनिया की केस में है। अमोनिया की केस में सिर्फ नाइट्रोजन की तरफ नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर उसके बाद टर्न आएगी NH3 की और सबसे हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट हो जाएगी वाटर की। 2 मिनट्स में आपने आंसर किया, अगर करेक्ट किया तो आपने आपको शाबाशी दे दो, नहीं तो पढ़ना शुरू कर दो। ठीक, फिर गलती होगी, फिर ABCD में से तो गलती होगी, 0 मार्क्स ही हैं फिर। Which of the following is an electron deficient molecule? Options are C2H6, C2H6, B2H6, SiH4, and PH3. Your time starts now. SiH4, silicon tetrahydride. एक मिनट क्वेश्चन रीड हो गया, 1 मिनट में आंसर देना है, टाइम शुरू हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है ना, तो न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं होने आंसर। टाइम अप, पहला तो है ही थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो ही नहीं सकता, समझ आ रही है। सेकंड ही डेफिशिएंट है, बोरोन BH3 का डाइमर है और BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होती है, बस आई करते रहोगे, अब क्या होते हैं, क्या है, मुझे वैलेंस शेल बताओ, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये जेई के बच्चे बैठे हैं मेरे पास,
ये वन वाला आ गया. कोर अल्कली मेटल है, ये वन है. थ्री है वैलेंस शेल में. थ्री वैलेंस शेल में है, थ्री हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है. टोटल छह ही बन रहे हैं, आठ बन रहे हैं. किन्नी बन रहे? अगर मैं इसको आधा कर दूं इस मॉलिक्यूल को, तो BH3 अगर एक बोरोन के अराउंड तीन है, तो तीन हाइड्रोजन लग गए तो छह ही बने. ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यही है. सिलिकॉन तो कार्बन के नीचे पड़ा है, यही नहीं पता हमें कहाँ है पीरियोडिक टेबल में. अगर CH4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है ना, तो सिलिकॉन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है. कार्बन के नीचे तो पड़ा है SI. फिर उसके बाद PH3. ये अमोनिया का तो ये वह भाई, अमोनिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. बेटे नाइट्रोजन की हाइड्राइड और फास्फोरस की हाइड्राइड एक ही ग्रुप को तो बिलोंग कर रही है, सिर्फ ऑर्बिटल्स का फर्क है. वहां पे 2s2p, यहाँ पे 3s3p है. बेटे निकाल लो ना, फिर जल्दी जल्दी होगा. एक ग्रुप को कौन बिलोंग करेगा जो एक फैमिली को बिलोंग कर रहा है? क्यों बोलते हैं नाइट्रोजन की फैमिली है ये, क्योंकि इसका भाई है, इसलिए बोलते हो. दैट इज वाई दिस नाइट्रोजन फैमिली, दैट इज वाई दे हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज वाई इट इज नोन एज ऑक्सीजन फैमिली. बेटे सी, अगर केमिस्ट्री को समझ के कर लोगे ना, इससे इजी नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल? PCl5, SF6. अभी कोई आंसर नहीं देगा, सबको निकालने दो. PCl5, SF6, BF3, AlF3. और इतना सिंपल आंसर है, बच्चे ऑप्शन बाद में पढ़ते हैं इसके. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल? इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड्स लगने चाहिए, और ये एक मिनट दूसरे क्वेश्चन के लिए बचाना चाहिए जो हार्ड वाला है. ये 10 सेकंड्स का 5 सेकंड वाला क्वेश्चन है. मेरे पास ना डंडा होना चाहिए, वो भी लोहे का. लात खराब है इनके. यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन किसकी है ये बता दो. चलो सब ज्योमेट्री बनाओ. PCl5 भी जल्दी. sp3d क्या होता है? बेटे PCl5 है कि PF5 है? PCl5 चाहे PF5 जो भी आ जाए पेपर, दैट इज ट्राइगनल बाई पिरामिडल. जो एक्सियल पे बॉन्ड पड़े हैं वो लंबे हैं इक्वेटोरियल से. दिस इज PF5. दीज बॉन्ड्स आर लार्जर देन दीज बॉन्ड्स.
इफ टॉकिंग अबाउट एस एफ सिक्स इट इज ऑक्टाहाइड्रल, इट इज रेगुलर ज्योमेट्री, नो रिपल्शन. बी एफ थ्री क्या होती है? प्लेनर, ट्राइगनल प्लेन में पड़ा, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन. सेम बोरोन के नीचे एल्युमिनियम पड़ा है, सेम फैमिली को. फिर मैं बोलूंगी भाई है इसका. बेटे फैमिलीज तो याद करनी पड़ेंगी. यू शुड नो द ग्रुप्स, फर्स्ट टू ग्रुप और ग्रुप तो पता होना चाहिए. 13 से लेके 18 तक, फर्स्ट टू ग्रुप 13 टू 18 एंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. फ्रॉम ग्रुप चलो नेक्स्ट. Which of the following is polar molecule? Which of the following is polar molecule? The options are silicon tetrafluoride SiF4, SiF4, XeF4, BF3 and SF4. पोलर मॉलिक्यूल वो होगा जिसकी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी. अभी हिंट मैंने दे दिया, अब निकालो किसकी रेगुलर नहीं है. आपको मैंने एक ट्रिक समझाई थी हाइब्रिडाइजेशन की. जब ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते ना आपसे, तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लिया करो किसी में लोन पेयर तो नहीं आ रहा. ट्रिक याद है कि जितने भी एटम्स हैं उनको उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके डिवाइडेड बाय 8 करना है आपने. SF4 की नहीं है, ट्रिक से निकालो. चलो SF4 बनाओ. सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी लिखो. 6. फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने हैं? सल्फर के साथ क्या लगा हुआ है इसकी वैलेंस शेल में कितने हैं? 7. 7 4 28 + 6 34 डिवाइडेड बाय 8 4 पे गया, 2 रिमाइंडर आया. तो लोन पेयर तो एक ही हुआ. जो आया उसको डिवाइड बाय 2 करते हो तो 34 अगर डिवाइडेड बाय 8 किया तो आपका 2 रिमाइंडर आ गया. तो इसको 1 से ही डिवाइड, 1 नहीं आया लोन पेयर. कितने बॉन्ड पेयर आए? 4. 4 + 1 = 5. It is sp3 d. sp3 d with one lone pair. Baki bond pairs. तो इसमें polarity आ जाएगी. बाकी भी निकालो. चलो बाकी molecule की hybridization निकालो. Hurry up. बाकी मॉलिक्यूल्स की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो जल्दी. हरी अप. हाँ 6 आगे, 4 बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर मगर ऊपर नीचे हैं. उससे कोई ज्योमेट्री इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर प्लेनर आ रहा है आपका. तभी मैंने ये निकलवाया कि सबकी निकाल लो.
एक्स ई एफ फोर, कितने आपके बॉन्ड पेयर जा रहे हैं, फोर, टू लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रही होगी, एसपी थ्री डी टू बन रही है। बेटे एस आई सिलिकॉन किसके नीचे पड़ा है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल नेक्स्ट द स्पीशीज विच हैज बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, द स्पीशीज विच हैज बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, सी एल एफ थ्री, सी एल एफ थ्री, एन सी एल थ्री, BCl3, PH3, वन ट्वेंटी। पहले अपना दिमाग लगाओ फिर मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। PH3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ज्योमेट्री बनाओ, चलो जो आंसर आपने दिया उसकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकालो। ए में तेरा दिमाग रीड करना सी, अभी समझाया अमोनिया के नीचे पड़ा है PH3, अभी अमोनिया की ज्योमेट्री यहां बनी थी बोर्ड पे, ये जेई वाले बच्चे बैठे हैं मेरे पास है, जब प्लस वन में एंटर कर जाओ तो जेई वाले बन जाते हो आप। अमोनिया किसके नीचे, अमोनिया के नीचे PH3 है, अमोनिया की क्या ज्योमेट्री है, लोन पेयर कुछ नहीं होता इसके ऊपर, तो 120 एंगल कहां से हो जाएगा, निकाल लो। हाँ BCl3 ये निकालो रीजन के साथ, हाँ मुझे रीजन चाहिए साथ में, सबकी निकालो सबकी। जब आठ आए ना डिवाइडेड बाय टू करते हैं, और इसमें लोन पेयर का फंडा नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड पेयर गिन के बाकी लोन पेयर बना लेते हो, थ्री बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आ जाएगा। sp2 किस केस में, BCl3 में sp2। ClF3 की ज्योमेट्री क्या आई है, जल्दी बोलो फर्स्ट मॉलिक्यूल से, क्योंकि अभी तो यही ऑप्शन है बेटे, कोई और ऑप्शन भी पेपर 5 sp3d, थ्री बॉन्ड पेयर, टू लोन पेयर, शेप विल बी टी शेप, बनाओ टी, हाँ नहीं बनाओ,
हाँ नहीं करना, बनाओ जल्दी, हरी आप बनाओ। टी शेप कैसे बनाओगे? हाँ इक्वेटोरियल पे दो लोन पेयर लेके आओ, इक्वेटोरियल पे दो लोन पेयर लेके आओ। ये होगी CLF3 टी शेप। क्या शेप आई है NCl3 की? अगर आगे से नाइट्रोजन के साथ तीन लगे हो ना, ये कैलकुलेट करा आपने, मेरे से बुरा कोई नहीं होएगा। नाइट्रोजन के साथ तीन लगे हो, पिरामिडल ही आनी है। नाइट्रोजन के पास सिर्फ वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड में चले गए, एक लोन पे रह गया। अगर इस चीजों को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया ना, तो फिर हमारे क्वेश्चन हो गए। क्यों दो लोन पेयर होंगे? नाइट्रोजन के पास 2s2 2p3 है, 3 तो बॉन्ड में यूज हो गए थे, एक ही लोन पेयर बचा, 2 इलेक्ट्रॉन। किसकी? इसको बेटे, इस वाले मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन इन्वॉल्व है ना, कभी कभी ट्रिक्स लगानी पड़ती, आंसर्स नहीं आते इसमें। देयर आर 3 क्लोरीन अटैच विद नाइट्रोजन, 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड्स बनाएगा नाइट्रोजन में। 2s2 में दो पड़े हैं और 2p में एक एक पड़ा है। ये 2d तो है ही नहीं इसके पास भाई, d तो है ही नहीं, ये यहां ही इन्वॉल्व हो जाएगा और ये लोन पेयर बच जाएगा। तो इसने तो देनी पिरामिडल है। अब बोरोन की बारी आ गई, बोरोन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में कितने पड़े हैं? 3 3 बॉन्ड पेयर है, प्लेन में तो यही जाएगा फिर, 3 अगर है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और तीनों के तीनों बॉन्ड बना दी इसने, तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो यही ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा, 120 एंगल वाला। कल से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आना।